हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सो आज हमारे पास है बोट की तरफ से आने वाला एक ईयरफोन जिसका नाम है बोट बेस हेड्स 100। आज मैं इसका कंप्लीट आपको रिव्यू देने वाला हूं। इसको मैं पिछले 7 से 8 दिनों से यूज़ कर रहा हूं। मैंने इसका 2 यूनिट परचेस किया था। कंप्लीट जानकारी मैं आपको आज के इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाला हूं। कितना इसका प्राइस है, एक्चुअल प्राइस मैं आपको बताऊंगा। आप इसको कहां से परचेस कर सकते हैं ये जानकारी भी मैं आपको आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। साथ ही मैं आपको बताऊंगा क्या इसको परचेस करना वर्थ है या नहीं है, इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है, करेंगे इसको अनबॉक्स, जानेंगे सारी जानकारी, इसी के साथ जानेंगे इसके साथ बॉक्स कंटेंट्स आपको क्या देखने के लिए मिल जाते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और साथ ही में कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब। इससे होगा ये कि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो जल्दी से हो जाएंगे 5000 और आप इस तरीके के वीडियोस आगे भी देख पाएंगे। तो कर दीजिए चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब और कर दीजिए वीडियो को लाइक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अभी अपन आ चुके हैं अपनी अनबॉक्सिंग टेबल पर जहां पे इस बॉक्स को करेंगे अपन ओपन और देखेंगे इसके साथ मिलने वाले बॉक्स कंटेंट्स। साथ ही में मैं आपको इसकी साउंड क्वालिटी भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके का आपको इसमें साउंड क्वालिटी मिलता है। फ्रंट में आप देखेंगे आपको लेफ्ट हैंड साइड पे बोट का जो लोगो है वो मेंशन मिल जाता है। साथ में नीचे की तरफ आपको इसका जो टैगलाइन है वो देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर का पिक्चर लगा हुआ है। यहाँ पे सेलर ने अपना एक बार कोड लगाया हुआ है जो कि प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, जिससे कि वो स्कैन करके चेक कर सकते हैं। नीचे की तरफ आप देखेंगे बेस हेड्स 100 आपको देखने के लिए मिल जाता है। साथ में आपको यहाँ बोट का लोगो देखने के लिए मिल जाता है। कुछ इस तरीके का फ्रंट से ये बॉक्स दिखता है। आप लेफ्ट हैंड साइड से देखेंगे यहाँ पे भी आपको एक बोट का लोगो देखने के लिए मिलता है और अपन राइट हैंड साइड से देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको एक बोट का लोगो देखने के लिए मिल जाता है, पर यहाँ नीचे की तरफ एक QR कोड आपको देखने के लिए मिलता है। इस QR कोड को आप स्कैन करके प्रोडक्ट का ऑथेंटिसिटी आप चेक कर सकते हैं, प्रोडक्ट ओरिजिनल है या नहीं ये जानकारी आप चेक कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन करके। ये ओरिजिनल बोट के ईयरफोन के साथ ही आपको देखने के लिए मिलता है QR कोड। आप नीचे की तरफ देखते हैं तो नीचे की तरफ आपको एक बार कोड देखने के लिए मिल जाता है। इसके अगर रियर की बात की जाए तो रियर में आपको एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक देखने के लिए मिल जाती है। इस प्लास्टिक में से आप जो ईयरफोन के स्पीकर्स हैं वो आप देख सकते हैं। दोनों स्पीकर जो हैं यहाँ से क्लियरली विजिबल हैं। नीचे की तरफ जो है माइक का फंक्शन यहाँ पे बताया गया है। साथ ही में आप नीचे की तरफ देखेंगे यहाँ पे आपको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिल जाते हैं। इसमें से जो मेन स्पेसिफिकेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो स्पीकर साइज है वो आपको 10 mm का देखने के लिए मिलता है। केबल लेंथ आपको 120 mm की देखने के लिए मिल जाती है जिसका इम्पीडेंस 16 ohm का है। इसमें आपको नीचे की तरफ सुपर एक्स्ट्रा बेस, 1 button माइक्रोफोन, हैंड्स फ्री पिकअप एंड एंड का जो फीचर है वो देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आपको सोशल मीडिया की डिटेल्स देखने के लिए मिल जाती है और साथ में आप अगर देखेंगे तो नीचे की तरफ जो बॉक्स कंटेंट्स हैं वो आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। नीचे की तरफ आप देखते हैं तो आपको यहाँ जो सेलर की मैन्युफैक्चरर की जो डिटेल है वो आपको देखने के लिए मिल जाती है। वैसे तो इसके बॉक्स के पीछे की तरफ आपको 999 प्राइस देखने के लिए मिल जाता है, पर इसकी एक्चुअल प्राइस के बारे में अपन बात करेंगे वीडियो के एंड में। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में, इसकी साउंड क्वालिटी के बारे में और साथ ही में देखते हैं इसके साथ अपने को क्या क्या बॉक्स एसेसरीज, बॉक्स कंटेंट्स अपने को क्या क्या मिल जाते हैं इसके साथ। ये सारी चीज़ें पहले अपन चेक कर लेते हैं, उसके बाद अपन बात करेंगे इसके प्राइस के बारे में। वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा एक्सटेंड नहीं करेंगे। चलिए अब अपन इसको जल्दी से बॉक्स को करते हैं ओपन, देखते हैं ईयरफोन की क्वालिटी। मैं बताऊंगा आपको इसकी साउंड क्वालिटी किस तरीके की है। लेकिन अगर अभी तक भी आपने इस वीडियो को नहीं किया है लाइक तो कर दीजिए वीडियो को लाइक और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब ताकि आपको इस तरीके के वीडियोस आगे भी देखने के लिए मिलते रहे। चलिए अब इसको बॉक्स को करते हैं ओपन। गाइज, इस बॉक्स का जो सील है वो मैंने ऑलरेडी कट किया हुआ है क्योंकि मैंने इसको ऑर्डर किया था, तो मैंने प्रोडक्ट क्वालिटी जो है उसको चेक करने के लिए और प्रोडक्ट जो जेन्युइन मुझे रिसीव हुआ है या नहीं ये चेक करने के लिए मैंने सील को यहाँ से कट कर दिया था। तो चलिए अब मैं इस बॉक्स को ओपन करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके का मेरे को इसमें ईयरफोन मिला है। आप देख सकते हैं इसके अलावा बॉक्स में कुछ भी अवेलेबल नहीं है। बॉक्स को रख देते हैं साइड में। अभी आप देखेंगे यहाँ पे सबसे ऊपर आपको देखने के लिए मिल जाता है इसमें एक केस जिसमें आप इस ईयरफोन को जो है रख सकते हैं। केस की क्वालिटी एवरेज है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, पर हाँ ईयरफोन को सिक्योर रखने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी क्वालिटी देखने के लिए मिल जाती है। यूज़ करने के पर्पज़ से डेली पर्पज़ के अकॉर्डिंग सही है, पर बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। जो नेट का कपड़ा होता है उससे बने हुआ इसका ये कवर है। इसको रखते हैं साइड में और देखते हैं इसके अलावा अपने को और क्या क्या मिला है। ये आप सामने देख सकते हैं, ये इसका वारंटी कार्ड है। साइड में इस पर QR कोड बना हुआ है, कुछ इस तरीके का वारंटी कार्ड है। वारंटी कार्ड को भी मैं साइड में रखता हूँ। अब देखते हैं इसके अंदर एक और जो कैटलॉग है वो अपने को देखने के लिए मिला है। इस कैटलॉग में अपन देखते हैं क्या क्या अवेलेबल है। यहाँ पे जितने भी
बोट के ब्रांड एम्बेसडर हैं उनकी फ़ोटो बनी हुई है, साथ में बोट के जो प्रोडक्ट्स आते हैं उनकी पिक्चर्स इसमें मेंशन है, आप देख सकते हैं। इसको भी मैं साइड में रख देता हूँ। इसके अलावा देखते हैं अपने को और क्या मिला है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो अपने को 4 पीस ईयरबड इसमें मिल जाते हैं, जो कि अगर इसके ईयरबड ख़राब हो जाते हैं तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसको भी साइड में रख देता हूँ। इसके अलावा देखते हैं अपने को और क्या मिला है। ये ईयरफोन मिला है अपने को, इसको बाहर निकाल लेते हैं और इसकी साउंड क्वालिटी और बिल्ड क्वालिटी अपन चेक करते हैं। इस बॉक्स को साइड में रख देते हैं। वायर की क्वालिटी अगर देखी जाए तो वायर की क्वालिटी आई थिंक ठीक है, जो प्राइस है उसके अकॉर्डिंग बेटर है। इसका जो प्राइस है एक्चुअल वो 400 से नीचे है, मैंने इसको 400 से कम रेट में मैंने इसको फ्लिपकार्ट से परचेस किया है। आप चाहें तो आप इसको फ्लिपकार्ट से या अमेजन से आप इसको परचेस कर सकते हैं। इसका जो रेटिंग है वो काफ़ी अच्छा है, फ्लिपकार्ट और अमेजन दोनों पे ही इसका आप रेटिंग चेक करेंगे तो इसका रेटिंग आपको काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिल जाता है। ये इस पे वायर टाई लगा के दिया हुआ है, इससे इस वायर को एक जगह पे कलेक्ट किया जा सकता है। अगर ओवरऑल वायर की मैं क्वालिटी की बात करूँ तो वायर की क्वालिटी ओवरऑल काफ़ी अच्छी है, पर एक चीज़ जो मुझे इसमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। इसका ये जो बटन है, इसका ऊपर का नॉब, ये थोड़ा सा लूज है। जब आप इसको वायर को हिलाते हैं तो इसमें से छन छन की आवाज़ आती है, जो कि थोड़ा ऑड लगता है। जहाँ अपन प्रीमियम क्वालिटी की बात कर रहे हैं, जहाँ अपन एक अच्छी ब्रांडेड ईयरफोन की बात कर रहे हैं, वहाँ पे ये जो आवाज़ है, ये जो छन छन की आवाज़ है, ये थोड़ा सा ऑड लगता है। यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे आपको एक QR कोड देखने के लिए मिल जाता है। फ्रंट में बोट का जो स्टिकर है वो देखने के लिए मिल जाता है। 3.5mm का जैक आता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं इसमें आपको 3 पिन मिलती है या 4 पिन मिलती है, तो इसमें आपको 4 पिन देखने के लिए मिल जाती है, क्योंकि इसमें माइक भी लगा हुआ है। आप देख सकते हैं इसमें माइक भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। कॉल पिक एंड ड्रॉप करने के लिए आपको यहाँ पे एक बटन भी देखने के लिए मिल जाता है। इसके जस्ट पीछे की साइड आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बोट का जो ब्रांडिंग है वो मेंशन मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं स्पीकर की क्वालिटी। स्पीकर की अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी डिसेंट है, प्राइस के अकॉर्डिंग इसकी जो क्वालिटी है वो डिसेंट है। बैक में आपको L&R लिखा हुआ मिल जाएगा, जो कि लेफ्ट एंड राइट को डिनोट करता है। इसका शेप कुछ इस तरीके का आपको देखने के लिए मिलता है, ताकि आपके कान में इजीली ये सेट हो जाए। यहाँ पे एक फिल्ट्रेशन के लिए यहाँ पे एक जाली है कपड़े का, जो लगाया हुआ है इसके अंदर, आप देख सकते हैं। मैं कैमरे को एक बार जूम करके और फोकस करा के मैं आपको दिखा देता हूँ। आई होप अभी आप देख पा रहे होंगे इसको। यहाँ पे जो जाली लगा हुआ है, कपड़े का जाली लगा हुआ है, ताकि डस्ट इसके अंदर एंटर नहीं करे और आपको जो साउंड है वो क्लियर मिले, स्पीकर की लाइफ जो है वो अच्छी बनी रहे। अब मैं बात करता हूँ इसकी साउंड के बारे में। वैसे तो मैं इसको 5 से 7 दिनों से यूज़ कर रहा हूँ, पर वीडियो बनाने से फिक्स 1 घंटा पहले से मैं इस ईयरफोन को मैं यूज़ कर रहा हूँ। काफ़ी लाउड मैंने इसमें म्यूज़िक सुना और मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी, हो सकता है वो चीज़ आपको लगे या नहीं। आपको अगर ये चीज़ सेम लगती है, आप सेम लीड यूज़ करते हैं, और अगर आपको सेम चीज़ सुनने के लिए मिलती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वो चीज़ है इसमें ट्रबल का जो लेवल है वो हल्का सा हाई है। इसमें छनछनाहट आपको सुनने के लिए ज़्यादा मिलेगी कंपेयर टू अदर ईयरफोन्स। इसमें मैंने ऑब्जर्व किया है, जो बेस है बाकी सारी चीज़ें मैनेज्ड हैं, साउंड पूरी मैनेज्ड है, पर हल्का सा जो ट्रबल है वो थोड़ा सा हाई है। इस पर बोट को थोड़ा सा काम करना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग ये फीडबैक है। अगर आपको लगता है कि आपके अकॉर्डिंग ये अच्छी चीज़ है तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसका एक्चुअल प्राइस है 349। मैंने इसको 349 में फ्लिपकार्ट से परचेस किया है। आपके लिए परचेज लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन करा दूंगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।